करें करें कर लो। चलो हम लोग बात किसकी करने जा रहे हैं, विश्व की जलवायु क्या है, विश्व की जलवायु। देखिए विश्व की जलवायु एवं प्रदेश, विश्व की जलवायु एवं प्रदेश, ठीक है। तो विश्व की जलवायु मतलब क्लाइमेट ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड में कैसा क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट मतलब क्या होता है, जलवायु। जलवायु जो होता है पूरे वर्ष के, पूरे वर्ष में मौसम, मौसम क्या होता है, कुछ समय के लिए होता है, क्या होता है, कुछ समय के लिए देखा जाता है। और जलवायु क्या होती है, पूरे वर्ष के दौरान कैसा रहा, ठीक है। तो हमारे पास दो टर्म आता है, एक आता है मौसम, क्या आता है मौसम, इसे हम क्या कहते हैं वेदर, क्या कहेंगे वेदर, WEATHER वेदर। और दूसरा आता है क्लाइमेट, दूसरा टर्म क्या आता है क्लाइमेट, क्लाइमेट को कहते हैं जलवायु, क्या कहेंगे जलवायु। तो पहले मौसम क्या होता है, ठीक है, पहले मौसम और जलवायु में कभी कभी पेपर में अंतर पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले हम लोग बात करेंगे वेदर क्या है, ठीक है। तो वेदर क्या होता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्या होता है, कभी देखिए आंधी आ गई, कभी बारिश हो गई, कभी तूफान हो गया, कभी तेज से धूप निकलने लगी, है ना, कभी तेज तेज हवा चलने लगी, तो क्या है, हम कहते हैं मौसम बदल रहा है। क्या कहते हैं, अक्सर इसी टर्म का यूज किया जाता है, मौसम बदल रहा है, क्योंकि थोड़े थोड़े समय पर या थोड़े समय के लिए जब परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं मौसम, क्या कहेंगे मौसम कहते हैं। तो ये क्या होता है, अल्पकालीन होता है, किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं, ठीक है, अल्पकालीन। तो मौसम क्या है हमारा, अल्पकालीन है, ठीक है। और अल्पकालीन किसी स्थान विशेष पर, कोई भी स्थान पर अल्पकालीन, अल्पकालीन क्या हो, किसमें किसमें वायुमंडलीय दशाएं, अल्पकालीन क्या होना चाहिए, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाएं, वायुमंडलीय दशाएं मतलब क्या, इन्वायरमेंटल या एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, क्या है, एटमॉस्फेरिक, ठीक है, क्या क्या कंडीशन है। तो इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन में हमारा क्या आ जाएगा, टेम्परेचर, तापमान, क्या आ जाएगा टेम्परेचर, यानी कि तापमान आ जाएगा। दूसरा है वर्षा, रेनफॉल, क्या आएगा रेनफॉल, या इसे प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहेंगे प्रेसिपिटेशन। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर माने क्या होता है, वायु का दाब, एयर प्रेशर कितना है, विंड कैसी है, हवाएं कैसी चल रही हैं, मॉइस्चर क्या है, क्या है मॉइस्चर, ठीक है। दृश्यता, दृश्यता मतलब होता है विजिबिलिटी, 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 ठीक है। तो इन्हीं और भी चीजें हम कर सकते हैं एक्सेट्रा, ठीक है, इन सभी चीजों का सम्मिलित जो रूप होता है, क्या होता है, इन्हीं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, सम्मिलित रूप को, ठीक है, इसी सबके सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं मौसम कहते हैं। तो आपने जाना कि मौसम क्या होता है, पूछा गया है बहुत बार, तो ये किसी स्थान पर क्या होगा हमारा, किसी प्लेस पर, किसी स्थान पर, कोई भी प्लेस हो सकता है, ठीक है, किसी स्थान पर अल्पकालीन, थोड़े समय के लिए, टेम्परेचर भी चेंज हो जाए,
रेनफॉल में चेंज हो जाए, प्रेशर में चेंज हो, विंड में हो, मॉइस्चर में हो, विजिबिलिटी या फिर और भी चीज़ें हो, के सम्मिलित रूप को ही हम क्या कहते हैं, मौसम या वेदर कहते हैं। और ये सभी क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, इनमें चेंजेस होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मौसम कहते हैं। तो मौसम के डिफिनीशन हम क्या हो सकते हैं, किसी स्थान की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के सम्मिलित रूप को हम क्या कह रहे हैं, मौसम कहते हैं। अब दूसरा टर्म आता है क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब होता है जलवायु, ठीक है। तो जलवायु क्या होती है, तो जैसे ये अल्पकालीन थी वैसे ही क्लाइमेट क्या हो जाएगा, दीर्घकालीन। क्या है ये, लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो ये कैसी दशा के लिए है, दीर्घकालीन। ये शॉर्ट टर्म है और ये क्या है, लॉन्ग टर्म का है, ठीक है। तो दीर्घकालीन मौसम संबंधी दशाओं का औसत जलवायु कहलाता है, दीर्घकालीन मौसम संबंधी दशाओं, दीर्घकालीन मौसम संबंधी दशाओं, संबंधित दशाओं को हम क्या कहते हैं, तो क्लाइमेट कहते हैं या जलवायु कहते हैं। समझ में आया कि नहीं, इसमें भी यही सब रहेगा, टेम्परेचर, रेनफॉल, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर, विजिबिलिटी सभी रहेंगे, लेकिन वो लंबे समय तक वही बना रहे, लंबे समय तक वैसा ही बना रहे, तो उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। तो आपके पास दो टर्म हुए, एक हो गया मौसम और दूसरा हो गया क्लाइमेट, ठीक है। तो मौसम क्या है, किसी स्थान पर अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के सम्मिलित रूप को मौसम कहते हैं, डिफिनेशन पूछेगा। यहाँ पर क्या है, क्लाइमेट किसे कहते हैं, दीर्घकालीन मौसम संबंधी दशाओं को क्लाइमेट कहते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय दशाओं को हम क्या कहते हैं, कोई भी दीर्घकालीन, जैसे ठंडी पड़ रही है, ठंडी में बहुत काफ़ी दिन ठंडी पड़े, ठीक है, लंबा 3 महीना 4 महीना तक ठंडी ही पड़ रही है, बीच बीच में मौसम बदल रहा है, लेकिन लंबे समय तक देखा जाए जो उनका औसत होगा, यहाँ क्या टर्म लगेगा, दशाओं के औसत को, ये ध्यान रखिएगा, क्या होना चाहिए, एवरेज, औसत को ही हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। समझ में आया, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो देखिए ये हो गया हमारा मौसम, ठीक। तो मौसम क्या होता है, वायुमंडल की क्षणिक अवस्था का बोध कराता है, मतलब ये थोड़े समय के लिए होता है, जबकि हमारा जो जलवायु है ये दीर्घकालिक अवस्था का बोध कराता है, इसमें परिवर्तन सूक्ष्म और धीरे धीरे होता है। इसमें जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, सूक्ष्म होगा, क्या होगा, सूक्ष्म और धीरे धीरे परिवर्तन होगा, स्लोली स्लोली क्या होंगे, चेंजेस होंगे। और इसमें क्या हो रहा है, तेजी से तो परिवर्तन होगा, क्षणिक परिवर्तन होगा, थोड़ी समय में धूप है फिर बारिश होने लगी, ठीक है, क्षणिक और तेजी से परिवर्तन होगा। अगर डिफरेंस आ जाता है तो आप इसके बेसिस पर भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी जलवायु और मौसम के मतलब डिफिनीशन हो गई, या डिफरेंस भी आप ऐसे लिख सकते हैं, मेंस में भी आता है दोनों के बीच में डिफरेंस लिखने को, ठीक है, कभी कभी इनकी डिफिनीशन लिखने को भी आ जाती है। तो प्री के लिए भी आपके जानकारी के लिए है और मेंस के लिए भी है। अब हम लोग पढ़ेंगे जलवायु का वर्गीकरण, क्या है, हम लोग पढ़ेंगे जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु का वर्गीकरण का मतलब क्या हुआ, कि हम उसको कितने भागों में और किस किस आधार पे हम बांट सकते हैं, ठीक है, किस किस आधार पे हम जलवायु को बांटेंगे। तो जलवायु के वर्गीकरण को सबसे पहले प्राचीन काल में यूनानियों द्वारा किया गया था। सबसे पहले वर्गीकरण किसने, मतलब इसके बारे में सबसे पहले किसने बात की प्राचीन काल में, यूनानियों ने, ठीक है। तो प्राचीन काल में तो यूनानियों ने बात करी थी, लेकिन हम अब रिसेंट का देखें तो वर्गीक, और इन लोगों ने जब बांटा था तो इन्होंने आधार क्या माना था, तापमान, तापमान मतलब टेम्परेचर के आधार पर इन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण माना था।
और इन्होंने जैसे ये पृथ्वी है मान लीजिए, क्या है पृथ्वी, बीच में इक्वेटर होता है, तो यहाँ उष्णकटिबंधीय मान लिया बीच में इन्होंने, क्या मान लिया उष्णकटिबंधीय, पोल्स पे ठंडा रहता है तो इसे शीतकटिबंधीय मान लिया, ये ध्रुवीय प्रदेश मान लिया, क्या मान लिए शीत मान लिए, तो इस तरीके से इन लोगों ने, और बीच वाले को क्या मान लिए समशीतोष्ण, क्या है तो सबसे अंदर मतलब ये बीच वाले भाग को क्या माना इन्होंने, नहीं यहाँ वाले इक्वेटर के पास वाले इसे माना उष्णकटिबंधीय, क्या माना उष्णकटिबंधीय, या इसे ट्रॉपिकल जोन कहेंगे, क्या कहेंगे ट्रॉपिकल, यहाँ ज्यादा गर्मी पड़ रही है और थोड़ा आगे पड़ोगी तो थोड़ा ठंडा रहेगा, तो इसे हमने क्या माना समशीतोष्ण, यूनानियों ने माना था, क्या माना था समशीतोष्ण, इधर भी समशीतोष्ण और दक्षिण में भी समशीतोष्ण, और पोल्स पे क्या मान लिया इन्होंने शीत ध्रुव, क्या है शीत, शीत माने फ्रिजिड ध्रुव, फ्रिजिड इंग्लिश में इसे लिखेंगे फ्रिजिड, FRIZID फ्रिजिड, ठीक है फ्रिजिड, बीच वाले पार्ट को क्या कहेंगे ट्रॉपिकल, क्या कहेंगे ट्रॉपिकल, शीतोष्ण को कहेंगे टेम्परेट, क्या कहेंगे टेम्परेट, तो इस तरीके से इन्होंने कितने भाग में बांट दिया था, तीन जोन में इसको बांट दिया था, ठीक किसने बांटा था यूनानियों ने, यूनानियों ने विश्व में पहली बार जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया, किसके आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर या तापमान के आधार पर, ठीक है ट्रॉपिकल जोन टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, ठीक है तीन भागों में बांटा था, लेकिन हमें उस समय की बात नहीं करनी है, हमें अब किसकी बात करनी है, उनका भी आधार कहीं ना कहीं से मतलब सही था, लेकिन हम और इसको एडवांस फॉर्म में पढ़ेंगे, आज की डेट में किसने बांटा है, तो जब जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है, किसका विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है, तो इसके लिए दो मेथड हैं, क्या है दो मेथड, क्वेश्चन आया है यहाँ से, क्वेश्चन आते ही हैं, अभी आपका जब पेट दे पेट नहीं आपने एसएससी का कि पेट का कोई पेपर दी थी तो उसमें कह रही थी कि आई थी घास के बारे में कहाँ कौन पाई जाती है, दूसरा आप कह रही थी कि गर्मी पड़ती है ठंडी पड़ती है आप समझ नहीं पा रही थी, तो क्वेश्चन यहाँ से अराइज हो रहा था, अब आप इसको समझेंगी कि कैसे और क्यों कैसी जलवायु पाई जाती है, कैसी वहाँ वनस्पतियाँ पाई जा रही हैं, कैसे जीव जंतु पाए जा रहे हैं, इसको आप समझें।